वंदे मातरम साथियों, जिस तरह मेथी के कई सारे फायदे होते हैं, ठीक उसी तरह मेथी का पानी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। मेथी के पानी के फायदों को लेकर कोई सटीक शोध उपलब्ध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में मेथी के पानी के अनेकों ऐसे प्रयोग दिए गए हैं जिनसे लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। आज के वीडियो में हम मेथी के पानी से होने वाले उन्हीं प्रयोगों के या उन्हीं फायदों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाचन की। अगर कोई नहीं जानता कि मेथी का पानी पीने से क्या होता है, तो ये उनकी जानकारी के लिए है कि पाचन की समस्या मेथी के पानी को पीने से ठीक हो जाती है। इस बात की पुष्टि दो अलग अलग शोधों से होती है। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक मेथी के बीज में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के साथ ही पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। वहीं एक अन्य शोध में मेथी के बीज युक्त टॉनिक को पाचन की समस्या के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मेथी के दाने का पानी पीने से पाचन तंत्र की समस्या बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। किडनी की बात करें तो NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार मेथी का सेवन गुर्दे की कार्यक्षमता को बढ़ाकर कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम शरीर के टिश्यू में जमने लगता है, इसमें टिश्यू कठोर हो जाता है। इसके अलावा मेथी का सेवन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के स्तर को भी बढ़ा सकता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके गुर्दे के कार्य में सुधार कर सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि किडनी संबंधी परेशानी से बचाव के लिए मेथी का पानी काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। सिर्फ एक महीने मेथी के पानी पीने के फायदे की बात करें तो इसमें सूजन से जुड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक वैज्ञानिक शोध की माने तो मेथी के अर्क में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो सूजन को कम कर सकता है। इससे एडिमा और गठिया जैसी सूजन से संबंधित समस्या का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सूजन संबंधी परेशानी से राहत दिलाने में मेथी का पानी काफ़ी उपयोगी है। हृदय की बात करें तो मेथी दाने का पानी पीने के फायदे में हृदय का स्वास्थ्य भी शामिल है। एक वैज्ञानिक शोध के मुताबिक मेथी के बीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर हृदय रोग से बचाव कर सकता है। इसके अलावा एक अन्य शोध में कही गई बात भी सामने आती है कि मेथी के अर्क में हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक प्रभाव होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य रहने से हृदय रोग का जोखिम कम हो जाता है। इन तथ्यों को देखते हुए मेथी के पानी को हृदय के लिए काफ़ी लाभकारी माना गया है। अगर एक महीने तक आप मेथी दाने का पानी प्रयोग में लाते हैं तो मधुमेह की स्थिति में काफ़ी फर्क दिखाई देता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक मेथी के दाने के पानी में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है। ये प्रभाव रक्त शुगर यानी ब्लड शुगर को कम करने के लिए जाना जाता है। एक अन्य शोध में साफ तौर से इस बात का जिक्र मिलता है कि मेथी के बीज के अर्क को पौराणिक समय से मधुमेह की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि मेथी का पानी मधुमेह की स्थिति में सुधार कर सकता है। अगर कोई मधुमेह के लिए किस तरह की दवाई ले रहा है तो इसके सेवन से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। अगर कोई वज़न घटाने का तरीका ढूंढ रहा है या अपने बढ़ते वज़न से परेशान है तो मेथी दाने का पानी उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। दरअसल एक शोध में साफ तौर से जिक्र मिलता है कि मेथी में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो वज़न को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसे में वज़न कम करने के लिए मेथी का पानी और मेथी दाने का सुबह खाली पेट सेवन करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। स्किन संबंधी समस्याओं की बात करें तो स्किन संबंधी समस्याओं को दूर रखने के लिए मेथी का पानी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। मेथी के दाने में एंटीऑक्सीडेंट, स्किन हीलिंग, वाइटनिंग, मॉइस्चराइजिंग, स्किन स्मूदिंग और एंटी रिंकल गुण होते हैं, जो त्वचा संबंधी कई परेशानियों से बचाव करने में सहायक हो सकते हैं। यही कारण है कि कई स्किन केयर प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बालों की बात करें तो बालों के लिए मेथी का पानी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक गंजेपन के इलाज के लिए मेथी के बीज के टॉनिक का इस्तेमाल काफ़ी लाभकारी माना जाता है। वहीं एक अन्य शोध के मुताबिक मेथी के बीज में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो हेयर फॉल की समस्या को कम करने में काफ़ी मदद करती है। ये डैंड्रफ और जुओं से भी छुटकारा दिला सकता है। इस प्रकार बालों के लिए मेथी का पानी का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आखिर मेथी का पानी आपको बनाना कैसे है? अब मेथी का पानी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक चम्मच मेथी का दाना लेना है और एक गिलास पानी लेना है।
सबसे पहले किसी बर्तन में या एक ग्लास में ही आप एक चम्मच मेथी दाना डालकर उसको ढक कर रख दीजिए। सुबह पानी को छान लीजिए, मेथी का पानी बनकर तैयार हो जाता है। उसमें जो मेथी आपने छान कर अलग की है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेथी भी आपकी काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो उस मेथी को खा लीजिए, उसके ऊपर पानी पी लीजिए, या फिर उस मेथी को कहीं चटनी बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेथी का पानी इस तरह से तैयार करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी का पानी पीने का तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए इसको रात भर भिगोकर आप रख सकते हैं और सुबह इसको पीना है। मेथी के बीज को पानी में उबालकर चाय की तरह सुबह शाम भी पिया जा सकता है। मेथी पाउडर को गर्म पानी में मिलाकर सुबह पी सकते हैं। लेना कितना है, मेथी के पानी को कितना इस्तेमाल करना है, इस पर कोई वैज्ञानिक शोध तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रतिदिन सुबह खाली पेट एक चम्मच मेथी दाने से तैयार किया हुआ पानी लगभग एक ग्लास या 300 ml कह सकते हैं लिया जा सकता है। आप चाहें तो इसकी मात्रा को थोड़ा कम करके एक कप तक भी ला सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो अपने चिकित्सक से इसके बारे में आप परामर्श भी ले सकते हैं। मेथी के पानी का कोई नुकसान है क्या? गर्भवती महिलाओं को मेथी के पानी के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये गर्भपात का कारण बन सकता है। मेथी पानी के अधिक प्रयोग से दस्त, मिचली, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसमें कुछ लोगों को चक्कर और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को इसमें पित्त बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए जो भी व्यक्ति जिनकी पित्त प्रकृति है जिनके शरीर की, वो मेथी के दाने का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श या सलाह के अनुसार ही करें। तो दोस्तों, ये थे मेथी के पानी के अनेक उपयोग। इन सभी परेशानियों में मेथी का पानी काफ़ी फायदेमंद होता है। आप भी इसको अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा भी डाउट होने पर आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर उसके बाद इसको शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। मिलते हैं आपसे अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।